हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी के मेरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिट्राजिन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कब यूज़ की जाती है, इसके डोज, इसके साइड इफेक्ट्स और इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जो सिट्राजिन टैबलेट है, ये डॉक्टर रेडिस द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं, जिसका प्राइस 18 रुपीज़ है। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg पाया जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। ये टैबलेट कब यूज़ की जाती है। जो सिट्राजिन टैबलेट है, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जो एलर्जी सिम्टम्स को रिलीफ करती है। जैसे गले या नाक में खुजली हो रही हो, नाक से पानी बह रहा हो, या फिर आँखों से पानी बह रहा हो, स्किन ऊपर रैशेस हो रहे हो, या फिर स्किन लाल हो रही हो, या स्किन पर खारिश हो रही हो, तो उन कंडीशन में ये टैबलेट ली जाती है। ये सर्दी जुकाम में भी टैबलेट यूज़ की जाती है। मौसम चेंज होने पर जो एलर्जी रिएक्शंस होते हैं, तब भी ये टैबलेट ली जाती है। और अगर किसी को धूप में एलर्जी होती है, तो तब भी ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी को किसी दवाई खाने से एलर्जी होती हो, तब भी ये टैबलेट ली जाती है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स मेनली है तो नहीं है, बट फिर भी पेशेंट को नींद आती है इसे खाने से। प्रिकॉशंस की बात करें कि किन पेशेंट को ये नहीं लेनी चाहिए टैबलेट। जिनको किडनी प्रॉब्लम है या फिर लीवर की प्रॉब्लम है, वो एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस से ये टैबलेट का सेवन करें। और इस टैबलेट को लेने के बाद प्लीज़ ड्राइविंग भी ना करें, बिकॉज इससे नींद आती है। और यह टैबलेट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसका सेवन करें। अब डोज के बारे में जान लेते हैं। डोज इसकी अडल्ट में ये फुल टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर पेशेंट की ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो वो दिन में 3 बार ले सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को। और 5 से 8 साल के बच्चों के लिए ये आधी टैबलेट हम ले सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए इसका सस्पेंशन और सिरप आता है, वो अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही बच्चों को दे। तो दोस्तों, ये तो थी सिट्राजिन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।